जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इसके साथ साथ कई सारी हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अगर आपको थकान रहती है, बांझपन है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, अनिद्रा की समस्या है, त्वचा में स्किन में रूखापन आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा हो जाता है, मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है, लेडीज में अगर बांझपन की समस्या हो जाती है या मिस कैरेज बार बार होता है, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये लक्षण है कैल्शियम की कमी के। बॉडी में कोलेस्ट्रोल अगर बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये सारे लक्षण है आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है। कैल्शियम अगर कम होता है तो बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज इस कैल्शियम की कमी को कैसे हम बना के रखें, कैसे इसको पूरा करें, उसके बारे में बात करेंगे। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए क्यों जरूरी है और कितनी जरूरी है उस बारे में बात करेंगे, और हम क्या खाएं कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी ना हो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि हड्डियां कमजोर होने से या बोन डेंसिटी कम हो जाने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, और खास करके उन ज्वाइंट में जो आपके बॉडी के मैक्सिमम वेट को मैनेज करके रखते हैं, जैसे आपके घुटनों के ज्वाइंट हैं, टखने के ज्वाइंट हैं, एडी के ज्वाइंट हैं, आपके हिप्स के ज्वाइंट हैं, इनके ऊपर पूरी बॉडी का प्रेशर रहता है तो इनमें ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। कोहनी का ज्वाइंट है क्योंकि हम हाथ से बहुत काम करते हैं, हाथ हमारे बहुत जब यूज होते हैं तो हमारी कोहनी पर भी प्रेशर आता है, तो इन ज्वाइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्वाइंट में कहीं भी दर्द हो उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको कैल्शियम देता है, लेकिन सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं होता है, कैल्शियम को एब्सॉर्ब भी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेला कैल्शियम लेते हैं और आपकी बॉडी में दूसरे कुछ मिनरल्स की या दूसरे कुछ विटामिन्स की कमी है तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होगा, आप कितना भी खाएं वो कोई फायदा नहीं करेगा। एक स्टडी में ये पाया गया है कि 60 और 65 की एज के 90% लोगों में ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम उस पेन को रोक सकते हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ दो चीजें शेयर करने वाली हूं जो बहुत फायदेमंद हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जो वीगन होते हैं, जो दूध नहीं पी सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि मैक्सिमम कैल्शियम दूध के अंदर होता है। आज मैं जो दो चीज आपके साथ शेयर करूंगी उसमें दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, तो आप अगर उसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। उसके साथ साथ मैं बात करूंगी एक कैल्शियम सप्लीमेंट की, वो है न्यू हर्ब्स का ट्रू कैल्शियम। ये टेबलेट फॉर्म में है और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाएंगी, यानी कि अगर आप ये कैल्शियम खाते हैं तो आपकी बॉडी पूरा का पूरा एब्सॉर्ब करेगी, ये डाइजेस्ट करने में भी ईजी होगा और इसके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने में भी ईजी होगा। न्यू हर्ब्स के ट्रू कैल्शियम में कैल्शियम तो है ही, इसके साथ साथ इसमें विटामिन डी है और इसके साथ इसमें है मैग्नीशियम। अब आप कहेंगे कि जब हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है तो बाकी चीजों का हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ और चीजें भी होती हैं जो अगर हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, तो विटामिन डी बहुत जरूरी, D3 बहुत जरूरी है अगर आप कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन सही तरीके से चाहते हैं। विटामिन D3 अगर आपकी बॉडी में कम है तो बॉडी कैल्शियम को एब्सॉर्ब नहीं करेगी, अपने आप यूज नहीं करेगी उसे। और मैग्नीशियम इसलिए जरूरी है कि वो मिनरल्स और विटामिन्स को बाइंड करता है ताकि वो आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हो, धीरे धीरे एब्सॉर्ब हो, ना कि वो एक्सक्रीट हो जाए। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं और ये तीनों ही चीजें इसके अंदर हैं, तो ये जो एक सप्लीमेंट है ये काफी अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी हड्डियां कमजोर ना हो। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां कमजोर ना हो तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी आप खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, क्यों खाते हैं, क्योंकि आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां कैल्शियम को एब्सॉर्ब करें, विटामिन डी को एब्सॉर्ब करें, मैग्नीशियम को एब्सॉर्ब करें, तो वो तभी हो पाएगा जब आपकी हड्डियों को भूख लगेगी, और हड्डियों को जब भूख लगेगी जब आप उनसे कुछ काम करवाएंगे, यानी कि आप वॉक करेंगे,
आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे, आप चलेंगे फिरेंगे तो आपकी हड्डियों को भूख लगेगी और वो भूख लगने के बाद उस कैल्शियम को, विटामिन डी को या मैग्नीशियम को या बाकी जो भी विटामिंस और मिनरल्स आप खाते हैं उनको एब्सॉर्ब करेंगी। आपकी जितना भी कैल्शियम आप खाते हैं उसका 90% कैल्शियम आपकी बोन्स और आपके टीथ में यूज हो जाता है, दांत में और बोन्स में यूज होता है। कुछ परसेंट ही ऐसा है जो पूरी बॉडी के काम आता है, तो मैक्सिमम कैल्शियम आपका यूज होता है बोन्स के अंदर और आपके टीथ के अंदर। इसलिए अगर इन दोनों चीजों को आपने मजबूत रखना है तो आपके कैल्शियम इनटेक को आपको सही रखना होगा, तभी आपकी हड्डियां मजबूत रह पाएंगी और तभी आपको बड़ी उम्र के बाद फ्रैक्चर होने के डर नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि एक एज के बाद मैक्सिमम खास करके लेडीज में तो जरा सी कहीं गिरी नहीं कि हिप में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं किसी भी बड़ी उम्र तक, तब आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना होगा और उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम आपको अपने डाइट में कई तरीके से मिल जाता है और एक मजे की बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए ना, वो बॉडी खुद ही बना लेती है, लेकिन कैल्शियम बॉडी खुद नहीं बनाती है, वो आपको अपनी डाइट के थ्रू ही लेना पड़ेगा। आप नट्स खाएं, सीड्स खाएं, हरी सब्जियां खाएं, उनमें आपको काफी मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा। आप अपने डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जैसे दूध है, ऐसी चीजें शामिल करें, अखरोट खाएं, अखरोट बहुत अच्छा सोर्स है, उससे आपके जॉइंट्स में कभी दर्द नहीं होगा क्योंकि उससे आपको गुड फैट भी मिल रहा है और उसको बाकी मिनरल्स भी आपको मिल रहे हैं। बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दूध से ज्यादा कैल्शियम दे सकती है और हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत रख सकती है किसी भी एज तक। आपने राजीव दीक्षित जी को सुना होगा, वो हमेशा कहते थे कि चूना आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गेहूं के दाने के बराबर चूना डेली खाते हैं, वो दो तरीके से आप खा सकते हैं, चाहे तो एक पान का पत्ता लें, उसमें कुछ नहीं मिलाना है और इतना सा चूना उसमें रखें और आप अपने खाने के आधे घंटे बाद खाएं, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो उस पान के पत्ते की वजह से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और चूना आपके अंदर गया तो वो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि उससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। या आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो इतना सा चूना लें, उसको एक गिलास पानी में डालें, पानी को मिलाएं और उसको आप पी लें तो उससे भी आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं और बूढ़ों को भी दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपने सिर्फ गेहूं के दाने के जितना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। और दूसरा तरीका बहुत ही टेस्टी है और वो है व्हाइट तिल, लेकिन ये तिल गर्म होते हैं, गर्मियों में इन्हें नहीं खाया जा सकता है, सर्दियों में इसे खाएं तो बहुत फायदा करेंगे। आप गुड़ और तिल के लड्डू बना लें और पूरी सर्दियों में सिर्फ एक 20 से 25 ग्राम का लड्डू डेली खाएं तो आपको कैल्शियम की कमी कभी होगी ही नहीं। वो जो 2-3 महीने आप खाएंगे वो आपके पूरे साल भर के कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। तो इन दो चीजों से भी आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको सप्लीमेंट की जरूरत है तो आप न्यू हब का ये ट्रू कैल्शियम ले सकते हैं। ये नेचुरल है, वीगन है और इस केमिकल फ्री है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं, किसी दूसरी मेडिकेशन पर है, कोई भी किसी भी चीज की आप दूसरी दवाई ले रहे हैं, तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट आपको लेना नहीं चाहिए। पहले डॉक्टर से पूछें, उसके बाद आप सप्लीमेंट लें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। नॉर्मल कंडीशंस में ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप अगर आप अपनी हड्डियों को 80-90 की उम्र तक भी, जब तक आप इस दुनिया में, तब तक अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही घूमते फिरते अपने सारे काम करते रहें बहुत बड़ी उम्र तक भी, तो आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना ही पड़ेगा। और उसको मजबूत रखने का आसान तरीका है कि अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी ना होने दें। थोड़ी देर धूप में बैठे, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। कैल्शियम के लिए आप जो फूड आइटम्स खाने वो खाते रहे, नहीं तो आपको अगर जरूरी है, क्योंकि 45 के बाद सप्लीमेंट लेना एक तरह से जरूरी हो जाता है। 45 के बाद अगर हम किसी भी बोन प्रॉब्लम के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कैल्शियम सप्लीमेंट देते ही हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बोन डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो बोन डेंसिटी को कम नहीं होने देना चाहिए। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दें और ऐसी चीजें खाएं जिससे आपको पूरा कैल्शियम मिले। और अगर आपको लगता है जो मैंने सिम्टम्स बताए उसमें से कोई भी सिम्टम है तो आप कैल्शियम के सप्लीमेंट लेके अपनी उस कमी को पूरा करें, लेकिन हेल्दी रहें, हर हालत में हेल्दी रहें, खुश रहें, मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।